अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हमने अपनी वीडियोस में टैग्स कैसे यूज़ करने हैं, एग्जैक्ट टैग कैसे यूज़ करने हैं। अगर आपने मेरा पिछले लेक्चर्स देखे हों तो जिसमें मैंने वीडियो अपलोडिंग बताई थी उसमें मैंने आपको काफ़ी सारे चीज़ें बताई थी। तो बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि वीडियोज़ के टैग्स को हम एग्जैक्ट कैसे यूज़ करें जिससे उनकी वीडियो की रैंकिंग जो है वो इंक्रीज़ हो सके। तो मैं आपको कुछ चीज़ें इस वक्त बताना चाहती हूँ जो कि ज़रूरी भी हैं और जिनको मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पे चले जाना है, ठीक है। गूगल पे कोई भी आप कीवर्ड उठा लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उठाया हाउ टू लूज़ वेट, ठीक है। तो ये देखिए गूगल मुझे कुछ सजेशंस दे रहा है। आपने क्या करना है, आपने इन सजेशंस को यहाँ से प्रिंट स्क्रीन की ऑप्शन लेके आपने इसको प्रिंट स्क्रीन के थ्रू इन सजेशंस को आपने इसका प्रिंट स्क्रीन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। और फिर आप लोगों ने इसको मैंने गूगल पे जो है वो सर्च किया तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे जो है वो गूगल कुछ रिजल्ट्स सिखाएगा, ठीक है। ये देखिए ये इसका वॉल्यूम सीपीसी, ये यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन यूज़ की हुई है कीवर्ड्स एवरीवेयर, मैंने आप लोगों को भी ये बताई हुई है। अगर आप मेरा पिछली वीडियोस को जो है वो देखें तो उसमें मैंने ये एक वीडियो अपलोड की हुई है कि हम लोग गूगल के ऊपर डायरेक्ट ही कैसे जो है वो उसकी उन कीवर्ड्स के ऊपर सर्चेस देख सकते हैं और उनका सीपीसी दे सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर नीचे हम जाते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो ये इस वर्ड्स के अक्रॉस जो है वो हमारे पास कुछ जो है वो आ रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि आप लोगों ने लॉन्ग टेल जो टैग्स होंगे, लॉन्ग टेल आपने यूज़ करनी है, आपने कोशिश करनी है कि लॉन्ग टेल यूज़ करें। क्यों, उसकी ये रीज़न है कि हम लोग जब अभी क्योंकि हमारा अभी चैनल जो है वो नया होता है तो हमारे पास जो है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड जो होते हैं वो इतनी जल्दी रैंक नहीं होते। तो हम लोगों ने तकरीबन अगर मैं आपको पिछले जो है अपने प्रीवियस लेक्चर की बात करूं तो उसमें मैंने जब कीवर्ड्स की बात की थी तो कीवर्ड्स के ऊपर मैंने आपको यही कहा था कि आप 8,000 से 10,000 के जो कीवर्ड्स हैं उनको उठाएं, लॉन्ग टेल उठाएं, ठीक है, और जिसका सीपीसी तकरीबन जो है वो $1 हो। क्या जैसे ये देखें ये है हाउ टू लूज़ वेट फास्ट एंड ईजी, तो 400 इसकी सर्चिस हैं और 1.51 इस कीवर्ड को हम बहुत जल्द जो है वो रैंक करवा सकते हैं। लूज़ वेट फास्ट पील्स इसको हम बहुत जल्द रैंक करवा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमें सीपीसी भी बहुत अच्छा मिल रहा है। अच्छा, उसके बाद ये देखें आप इसको इनको भी एज अ टैग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा कि गूगल से हमने अपने टैग्स को कैसे उठाना है। उसके अलावा आप और भी ज़्यादा टैग्स उठा सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास हाउ टू लूज़ वेट है, हाउ टू लूज़ वेट इन 7 डेज़, तो हाउ टू लूज़ वेट इन 7 डेज़ के अकॉर्डिंगली ये मुझे यहाँ पे जो भी कीवर्ड्स दिखाएगा, ठीक है। ये देखें ये भी अब ये देखें हाउ टू रिड्यूस वेट 10 kg, आप ये भी एज अ टैग यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये 3-4 कीवर्ड्स मुझे दिखा रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो वहाँ पे भी मुझे बहुत सारी सजेशन आ रही होंगी जिसमें के मेरे पास काफ़ी सारे जो है वो कीवर्ड्स हैं। ये था गूगल की बात, लेकिन हम लोगों ने जो है वो करना है यूट्यूब की वीडियोस को। तो बहरहाल मैं यूट्यूब की वीडियोस के लिए भी ये कीवर्ड्स उठाती हूँ, टैग्स उठाती हूँ, तो कोई भी इशू नहीं होता, बहुत जल्दी जो है वो वीडियोस रैंकिंग में आ जाती हैं। तो आप लोगों ने भी यही सेम वेज यूज़ करने हैं। उसके बाद जब हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, ये यूट्यूब के ऊपर, तो यूट्यूब के ऊपर भी फॉर एग्जांपल अगर मैं सेम यही कीवर्ड उठाती हूँ जब मैंने यहाँ पे लगाया था कि हाउ टू लूज़ वेट, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से और इधर मैं इसको लगाया तो ये देखिए ये मुझे कुछ वहाँ पे जो है उसने मुझे 5-6 सजेशंस दी थी, यहाँ पे ये मुझे कुछ और सजेशंस दिखा रहा है। तो इसको भी मैंने सिंपल जो है वो प्रिंट स्क्रीन करके मैंने इसे और इसको जो है वो मैंने फाइल का नाम दे दिया और ये, ठीक है। तो उसके बाद अब हमने करना क्या है, हमने जो है वो सिंपल ये मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, फ्री ऑनलाइन और सीआर, ये इसको मैंने वो भी किया हुआ है, बुकमार्क भी किया हुआ है। तो इसको अगर आप देखो तो ये मैं इधर डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगी, ये वाली वेबसाइट आप लोग वीडियो से भी उठा सकते हो, ठीक। तो यहाँ से मैंने इसको फाइल चूज़ किया, तो ये जितने भी हमारे कीवर्ड्स होंगे, ठीक है, ये जितने भी हमारे कीवर्ड्स होंगे जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में हमारी पिक्चर होगी उसको क्या करेगा, ये उसको उसमें जो है वो चेंज कर देगा टेक्स्ट में।
तो मैं यहाँ पे अपलोड और OCR करती हूँ, प्लस OCR, ठीक है। तो इसको जो है वो यहाँ पे, तो ये जो भी इसके टैक्स को क्या करेगा यहाँ पे मेरे पास, ये देखें ये मेरे पास आ जाएगा। इसकी ये रीज़न है कि यहाँ पे हमें मैन्युअली नहीं लिखना पड़ेगा, हमारा टाइम जो है वो बच जाएगा। तो हम लोग अपनी वीडियोस से इन टैग्स को इस तरह अपनी वीडियोस में अपने टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग देखो तो इसी तरह जो मैंने गूगल से उठाए थे, यूट्यूब से उठाए थे, आपने इनको सिंपल जो है वो कॉपी करके एक जो है वो एक फाइल में इसको जो है वो सेव कर लेना आप लोगों ने, और इसको ठीक है ऐसे कंट्रोल वी किया, और यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे कॉमा लगाओगे, ठीक है, कॉमा के थ्रू आप जो है वो इसको करोगे। अच्छा, एक तो था ये मेथड, दूसरा है, दूसरा ये है कि आप लोग जो है वो आप बाकी मैंने कीवर्ड रिसर्च में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जब आप कीवर्ड्स का आप लोग मेरा बाकी मैंने कीवर्ड्स के लिए बहुत सारी आपको चीज़ें बताई थी, आप लोग मेरा वो जो वीडियो है उसको एक बार फिर से वॉच कर लें कि कीवर्ड्स को हमने एग्जैक्ट कैसे उठाना है। आप सेम वही कीवर्ड जो हैं वो एज अ टैग भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक ही कीवर्ड के ऊपर काम किया, उसके अकॉर्डिंगली आपने काफ़ी सारी जो है वो सर्चेस करके रखी हुई हैं, तो आप लोग उन कीवर्ड्स को भी एज अ टैग जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो सेकेंड हमारे पास जो वे है वो है विड IQ, एक गूगल की एक्सटेंशन है, उसको आपने यहाँ पे जो है वो विड IQ VN फॉर यूट्यूब, ठीक है, आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लोगे। गूगल क्रोम की ये एक्सटेंशन है, इसको आपने ऐड कर लेना है सिंपल, और आपके चैनल के साथ ये आपको, अच्छा ये करता क्या है, ये आपको जो है वो एग्जैक्ट हर चीज़ दिखाएगा, उस वीडियो की रैंकिंग दिखाएगा, उसके कीवर्ड्स दिखाएगा, चैनल के कीवर्ड्स दिखाएगा, और आपको ठीक है अगर मैं ये देखूँ तो ये साइट पे ये मुझे ये लोड करके जो है वो दे रहा है। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे ये इसकी ये मुझे दिखा रहा है कि जी इसकी कितनी एम्बेड हो चुकी हैं, इसके रेफरेंसेस कितने हैं, इसका SEO स्कोर कितना है, और इसका जो है वो ओवरव्यू यानी इसका वैसे जो है विड IQ स्कोर कितना है, तो ये 87.7/100 जो है वो इसका है। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसके ये पूरे मुझे सब्सक्राइबर दिखा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग दिखा रहा है यहाँ पे, और ये वीडियो कहाँ कहाँ पे शेयर हुई है, ये देखिए ये रेडिट के ऊपर शेयर हुई है, उसके बाद जो है वो रेडिट कमेंट्स इसको मिले हैं, रेडिट पोस्ट, ये अगर आप लोगों ने मेरा रेडिट का जो है वो वीडियो वॉच की हो तो वहाँ भी आपको पता चलेगा कि रेडिट की जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है, और वहाँ से हमें जो है वो कैसे हम लोग वहाँ से कैसे जो है वो अपनी ट्रैफिक जो है वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कैसे ले सकते हैं, और अपनी वीडियोस के ऊपर ट्रैफिक कैसे ले सकते हैं। तो प्लीज़ रेडिट का जो हमारा लेक्चर है उसको आप प्लीज़ एक बार जो है वो ज़रूर देखिएगा, गौर से देखना है, और उसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है, उससे हमें जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद भी रेडिट से ट्रैफिक लेती हूँ अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, अपनी यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर, तो आप लोग भी बड़ी इजीली ट्रैफिक और अपनी अगर किसी की वेबसाइट है तो वहाँ से जो है वो उसके ले सकते हैं, और अपनी वीडियोस के ऊपर भी व्यूज़ ले सकते हैं। आप लोग ये देखिए, ये देखें यहाँ पे ये इतने इस बंदे के जो है वो व्यूज़ हैं, और इसने जहाँ पे रेडिट पे पोस्ट की थी, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ, अगर ये मुझे ओपन करके देता है तो इसको हम देखते हैं कि इसने कहाँ पे और किस तरह जो है वो पोस्ट की हुई है, ठीक है, ये देखिए जी इस बंदे ने 1 साल पहले जो है वो इसको किया है, ये सारी इसकी जो है वो पूरी की पूरी हिस्ट्री दिखा रहा है कि इसने कहाँ कहाँ पे जो है ये पोस्ट की हुई है। अब ये देखिए, ये उसने रेडिट से ही ट्रैफिक ली हुई है, डिफरेंट जो है वो अपनी वीडियोस को यूज़ करते हुए, अपनी वीडियोस को सॉरी अपनी वीडियोस के टाइटल डिफरेंट लगा के डिफरेंट जो है वो सब रेडिट्स यूज़ करते हुए इसने अपनी वीडियो को रैंक करवाया हुआ है थ्रू रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये इसने ये वाला सब रेडिट यूज़ किया है इसमें डिफरेंट, और अगर आप लोग देखें तो इसने सारी वीडियोज़ में किसी में जो है वो सेम रखा हुआ है टाइटल, किसी में जो है उसने सेम टाइटल नहीं रखा हुआ, तो आप लोग भी डिफरेंट जो है वो सब रेडिट में अपनी वीडियोस को कर सकते हैं, अपने जो भी आपका कीवर्ड है उसको आप लोग रेडिट पे सर्च करो, और उसके अकॉर्डिंगली आप रेडिट के सब रेडिट को सर्च कर लो, ठीक है।
तो ये देखिए, ये मुझे ये वीड आईक्यू बहुत अच्छा है। यहाँ से हमें अपने कंपटीटर का पता चलता है कि वो खुद क्या कर रहा है और किस तरह उसने अपनी वीडियो को रैंक करवाया, तो हम लोग अपनी वीडियो को वैसे ही जो है वो रैंक करवा सकते हैं। ये देखें, 159 लिंक्डइन है इस पर, 17 स्टम्बल फोन किए हुए हैं, 25 रेडिट जो है वो पोस्ट हैं इस पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, हम लोग बात कर रहे थे टैग्स की, तो अगर इसको हम देखें, ये देखें, ये इसके जो है वो 1,04,262 जो है वो इसके सब्सक्राइबर हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों का क्योंकि अभी नया चैनल होगा, तो हम लोग ये देखें, इसने जितने भी वीडियो टैग्स जितने भी लगाए हुए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो शॉर्ट हैं। ठीक है, शॉर्ट कीवर्ड्स हैं। हम लोगों ने कौन से लगाने हैं, हम लोगों ने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लगाने हैं। तो अभी इस वीडियो को हम लोग नहीं छेड़ेंगे, इसको हम नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स चाहिए। तो इसके अलावा ट्यूब बडी का मैंने आपको बताया था, ट्यूब बडी भी हमें टैग्स और उसकी रैंकिंग और ये सारी चीज़ें बताता है, और ये हमें ये भी ये बताते हैं कि ये जो है ये वीडियो किस किस कीवर्ड के ऊपर, किस नंबर के ऊपर जो है वो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है। ये देखिए, ये लूज़ वेट है तो ये 7 नंबर पर है, और ये 14 नंबर पे है, इसके बाद ये सेकंड नंबर पे है, और ये भी सेकंड नंबर के ऊपर पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर। तो अगर हम लूज़ वेट का यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ लूज़ वेट, ठीक है, तो ये 7 नंबर पे वो मुझे बता रहा है कि सॉरी, तो 7 नंबर पे मुझे बता रहा है, ये देखिए 7 नंबर पे हमारी वीडियो जो है वो पड़ी हुई है। तो इनकी जितनी भी एग्जैक्ट जो भी ये इसकी रैंकिंग वो बताता है या जो भी ये चीज़ बताता है, वो हमें सारी की सारी जो है वो पता होती है, उस हमें जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बताता है। ठीक है, तो ये लिंक्डइन पे भी आप देख सकते हो, स्टम्बल फोन पे भी, इसने स्टम्बल फोन पे भी मैंने शायद आपको बताया हुआ है कि आपने स्टम्बल फोन पे कैसे जो है वो पोस्टिंग करनी है। मैं उसको चेक कर लेती हूँ अपने चैनल पे, अगर नहीं है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, उसके बाद ये लिंक्डइन पे भी है, यहाँ पे भी आप वो क्लिक करके देख सकते हो कि लिंक्डइन के किन किन ग्रुप्स के ऊपर जो है वो आपने किया। इसी तरह आप अपने जो भी आपका नेचर या जो भी आपने अपने टॉपिक्स को किया है, ठीक है, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, आपने उसको सिंपल जो है वो क्या करना है, आपने उसको YouTube के ऊपर सर्च करना है। ठीक है, और YouTube के ऊपर सर्च करते हुए आप लोगों ने उनका पूरा पूरा जो है वो देख लेना है, उनके अपने कंपटीटर्स को स्पाई कर लेना है कि कैसे वो काम करें। ये सेकंड नंबर पे इसको देखते हैं कि इस बंदे ने जो है वो लॉन्ग टेल, आप लोगों ने लॉन्ग टेल टैग्स यूज़ करने हैं। ठीक है, जितने भी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, आप लोगों ने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ही यूज़ करते हुए आपने टैग्स को यूज़ करना है। अब ये देखिए, इस बंदे ने क्या किया हुआ है, सिर्फ जो है वो गूगल प्लस के थ्रू जो है वो गूगल प्लस, मैंने ये बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है कि बहुत सारी वीडियो जो हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लिंक्डइन पे तो जो शेयर करते हैं या रेडिट पे शेयर करते हैं, वो गूगल प्लस बहुत करते हैं। गूगल प्लस क्योंकि ये गूगल की प्रोडक्ट है तो इससे जो है वो इम्पोर्टेंस मिल सकती है। अब ये देखें, ये बंदा जो है इसने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कुछ यूज़ किए हुए हैं, आप लोगों ने सिंपल इसको जो है वो कॉपी कर लेना है। अब हाउ टू लूज़ वेट नेचुरली, लूज़ वेट नेचुरली, ठीक है, और नेचुरल क्योर्स, ये मैं हमें उसके चैनल का नेम है। आप इस अब मैंने आपको ये बताया था कि आपने जो जो भी आपका कीवर्ड है उसको आपने यूट्यूब पे सर्च करना है, और फर्स्ट दो तीन अपने जो चैनल्स हैं उनको एज अ जो है वो टैग अपने जो है वो वीडियो के डिस्क वीडियो के वीडियोज़ के टैग में यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ से आपने इसको जो है वो कॉपी कर लिया, आप चैनल के टैग्स को भी उठा सकते हो। ये इसके चैनल के टैग्स हैं, अपने आप लोग अपने चैनल्स में जिस भी निच से आपका रिलेटेड चैनल है, आपने उसको यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है। यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हुए आप लोगों ने उस चैनल के टैग्स को उठाना है थ्रू विद आईक्यू, ठीक है, और आपने अपने चैनल में उसको ऐड कर लेना है, या आप खुद भी ऐड कर सकते हो जिससे रिलेटेड आपका चैनल है। इसमें भी अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज़ करें तो बहुत ही बेस्ट है। अच्छा, इसको भी मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से, ठीक है, अभी मैंने आपके सामने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगी, तो मेरे ख्याल इतने हमारे पास जो है वो टैग्स काफ़ी हैं। अच्छा, मैंने कुछ क्योंकि अभी जो है वो यूट्यूब की काफ़ी सारी जो है वो पॉलिसीज चेंज हुई हैं, और उसने 10,000 व्यूज़ के ऊपर जो है वो हमारे व्यूज़ को भी 10,000 व्यूज़ के ऊपर वो उसने मोनिटाइजेशन ऑन कहा है कि वो ऑन करेगा। तो काफ़ी सारी ये चीज़ें देखने के बाद मैंने जो चीज़ देखी है कि पहले था कि आप 5-6 टैग्स यूज़ करो, ठीक है, लेकिन मैंने 5-6 टैग्स यूज़ करके देखे हैं, 5-6 टैग्स से कोई भी इतना फ़ायदा नहीं होता। तो आप लोग जो है वो जितना उसमें अलाउ है आप उतने टैग्स को यूज़ करो, ठीक है। तकरीबन 500 वर्ड्स के जो है वो टैग्स यूज़ हो सकते हैं, आप लोग जो है वो 500 वर्ड्स के टैग्स को यूज़ करते हुए
तकरीबन आप 400 टू 450 वर्ड्स को यूज़ करो एज अ टैग। अपने चैनल के नेम को एज अ टैग यूज़ करना मत भूलना। उसकी ये रीज़न है कि ये देखिए, ये नेचर क्रोज है, आप इधर आगे आए तो यहाँ पे इसकी वीडियोज़, ये देखिए फर्स्ट पे जो है इसकी वीडियो है, और फिर जो है वो सजेस्टेड वीडियोज़ में इनकी, ये देखिए ये सेकंड वीडियो है, यहाँ पे ये सजेस्टेड वीडियोज़ हैं। आपको आपको तकरीबन जो है वो 70-80% मेरा एक चैनल है उसको उसके ऊपर 70-80% जो है वो ये सजेस्टेड वीडियोज़ से ट्रैफिक आती है। ठीक है, ये देखें, ये इसकी थर्ड वीडियो है, ये नई आई है, और यहाँ पे आगे भी इसको देखें, ये भी इसकी, तो एज अ सजेस्टेड वीडियोज़ में ही उनकी जो है वो आपकी, अगर आप अपने चैनल को एज अ टैग यूज़ करोगे चैनल के नेम को, तो आपकी जो है वो सजेस्टेड वीडियोज़ में आपकी वीडियोज़ आएंगी, उससे आपको मोर व्यूज़ मिलेंगे और आपके जो है वो मोर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। ठीक है, और थर्ड नंबर पे ये है, ये था कि हम लोगों ने गूगल से टैग उठाए, ठीक है, हमने यूट्यूब से टैग उठाए, जो भी उसके अकॉर्डिंगली। अब ये देखिए, ये मैंने लिखा हाउ टू लूज़ वेट, ठीक है, तो ये मुझे कुछ सजेशंस जो है वो दे रहे हैं, ये इट मीन्स कि ये इस कीवर्ड्स के अक्रॉस जो है वो लोग इस जो है वो उसकी जो है वो सर्चेस करते हैं। आप लोग इन्हीं कीवर्ड्स को, ये मैंने जब कीवर्ड्स की बात की थी तो मैंने चैनल्स के जो टैग्स हैं, ठीक है, जो वीडियोस के टैग हैं, सॉरी, जो वीडियोस के टैग्स हैं, उन्हीं से ही मैंने कीवर्ड्स की भी, मैं काम ही ये करती हूँ कि मैं टैग से ही कीवर्ड्स उठा लेती हूँ। क्यों? क्योंकि जो है वो लोगों ने उसमें डिफरेंट जो है वो टैग्स लगाए होते हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स के टैग्स लगाए होते हैं, तो हम उन्हीं से ही अपनी वीडियोज़ के आइडियाज़ भी गेट कर सकते हैं। दिस इज़ अ मोस्ट ईजीएस्ट वे एंड फास्ट, ठीक है।